टेस्ट रूम पता है ना, होके जाइएगा। अच्छा जी, कल हम पेज 458 पे पढ़े थे कि रिटेल प्राइस इज अ प्राइस विच इज फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर देन सेल्स टैक्स। रिटेल प्राइस इज अ प्राइस विच इज फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर इंक्लूडिंग ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्सेप्ट सेल्स टैक्स, एट विच जिस प्राइस पे अ ब्रांड ऑफ एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल का कोई ब्रांड शुड बी सोल्ड टू मैंगो पीपल, जनरल पब्लिक, मैं और आप। तो ये वो प्राइस है जिस पे चीज आम लोगों को, अवामुन नास को बेची जाए। अच्छा, पहले कई दफा ऐसा होता था, अब होता नहीं है, कि लाहौर में वॉल्स वाले आइसक्रीम 200 की बेच रहे हैं और कराची के अंदर वही वाली आइसक्रीम 220 की बेच रहे हैं। तो समझा जाएगा अगर ऐसा आप करें, वैसे तो आप ऐसा किया नहीं जाता, हर जगह एक ही प्राइस की चीज मिलती है। अगर ऐसा आप करें कि आइसक्रीम के डब्बे के ऊपर एक जगह 200 लिखें, दूसरी जगह 220 लिखें, तो समझा जाएगा पूरे पाकिस्तान में 220 की बिक रही है। समझा जाएगा पूरे पाकिस्तान में कितने की बिक रही है, 220 की। वेयर मोर देन वन प्राइस इज फिक्स्ड फॉर द सेम ब्रांड, वेयर मोर देन वन प्राइस इज फिक्स्ड फॉर द सेम ब्रांड, एक ही ब्रांड की एक से ज्यादा प्राइसेस फिक्स हो जाए, तो हाईएस्ट प्राइस विल बी टेकन एज रिटेल प्राइस। तो हाईएस्ट प्राइस रिटेल प्राइस की जाएगी। हाईएस्ट कौन सी है अब, कराची वाली। तो अब समझा जाएगा लाहौर वाली चीजें भी 200 रुपए के, 220 के एतबार से बिकी और कराची वाली चीजें भी 220 के एतबार से बिकी। द बोर्ड में स्पेसिफाई द एरियाज फॉर डिटरमिनिंग हाईएस्ट प्राइस, बोर्ड वो एरियाज बताएगा जहां पे बोर्ड ने हाईएस्ट प्राइस पकड़ी है। वो हमारी मिसाल में कराची का एरिया है जहां पे बोर्ड ने हाईएस्ट प्राइस पकड़ी है, तो बोर्ड ये एरियाज बताएगा। ओके जी, अगला कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है, डेट इज कॉटेज इंडस्ट्री। भाईजन टाइम पे आया करें कल से। डेट इज कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री है छोटी सी इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें चार चीजें पाई जाएं, चार। ये घरों के झुरमट में खुली हो, यानी घरों के दरमियान कहीं फैक्ट्री हो। इसका जो बिजली का या गैस का, बिजली का बिजल, बिजली का या गैस का इसका जो कनेक्शन है वो इंडस्ट्रियल ना हो, इंडस्ट्रियल कनेक्शन मिलते हैं फैक्ट्रीज को, वो ना हो, बल्कि घर के अंदर ही किसी ने फैक्ट्री खोल ली हो। अब अगर घरों के अंदर फैक्ट्री खोलनी है तो 50-60 अगर लेबर हो तो गली तो मोटरसाइकिलों से ब्लॉक हो जानी है, तो लेबर आपकी 10 या उससे कम हो तो फिर आप छोटी सी इंडस्ट्री हैं। और आखिरी शर्त, आपकी साल की सेल 1 करोड़ पे से या उससे कम हो। तो ऐसा मैन्युफैक्चरर जो चार बातें करे, घरों के दरमियान कहीं फैक्ट्री खोल ले, फैक्ट्री के लिए जो बिजली या गैस का मीटर लगवाए वो इंडस्ट्रियल ना हो, रेजिडेंशियल हो, जिस तरह घरों के लिए मीटर लगवाना होता है आसानी से लग जाता है, इंडस्ट्रियल मीटर लगवाने में तो बड़ा टाइम लगता है, और लेबर 10 या उससे कम हो और सेल 1 करोड़ या उससे कम हो, तो जो बंदा इन चार बातों पे पूरा उतरे ऐसे मैन्युफैक्चरर को कहा जाएगा कॉटेज इंडस्ट्री। और इसको आने वाले दिनों में हम बेनिफिट्स देंगे। तो रेजिडेंशियल एरिया में भी फैक्ट्रीज खोलने पे लॉ मेकर को एतराज नहीं है। कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न व्हिच फुलफिल्स ईच 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 ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, डज नॉट हैव इंडस्ट्रियल गैस कनेक्शन, डज नॉट हैव इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। तो इंडस्ट्रियल नहीं होगा तो फिर रेजिडेंशियल होगा, सारी बात है। तो रेजिडेंशियल कनेक्शन आपने लगवाया हो, दूसरी बात, इज लोकेटेड इन घरों का झुरमट, घरों के दरमियान कहीं खुली हो, इसके बंदे लेबर फोर्स 10 या उससे कम हो और साल की सेल 1 करोड़ या उससे कम हो, 10 मिलियन, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दे दर लाख दे लाख करोड़ यूनिट 10। अच्छा चलें छोड़ो, आगे ओपन मार्केट प्राइस। ओपन मार्केट प्राइस, ओपन मार्केट प्राइस एक ऐसी प्राइस होती है किसी भी चीज की जिसमें बायर्स और सेलर्स नॉलेजेबल हो। ये नहीं कि देहात से एक बंदा आया, उसको बेटे ने आईफोन बेचा था, वो बाजार लेकर चला गया, दुकानदारों ने कहने इसको तो पता ही कुछ नहीं। तो ओपन मार्केट ऐसी मार्केट होती है जिसमें बायर्स और सेलर्स नॉलेजेबल हो और बायर्स और सेलर्स विलिंग हो चीज बेचने के लिए, मजबूरी में ना बेची जा रही हो। तो ऐसी
मार्केट को ओपन मार्केट कहते हैं, और ऐसी मार्केट में चीज की फेयर वैल्यू मालूम होती है। तो ओपन मार्केट प्राइस की जगह असद अकाउंटिंग में लफ्ज यूज होता है फेयर वैल्यू का। डेफिनेशन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, डेफिनेशन आप पढ़ेंगे इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगी ऐसी बात जो मैंने सारी की है। डेफिनेशन ऐसी बस एक फॉर्मेलिटी से पूरी की उसने। ओपन मार्केट प्राइस मीन द पैसे इन मनी, कंसिडरेशन पैसे होते हैं, इन मनी लिखने की दोबारा जरूरत नहीं थी वैसे। ओपन मार्केट प्राइस मीन द पैसे विच डैट सेल, वो वाली सेल और अब मिलती जुलती सेल, मिलती जुलती सेल अभी हम देखते हैं क्या होती है। ओपन मार्केट प्राइस मीन्स पैसे विच डैट सेल वुड जनरली रिसीव इन ओपन मार्केट। तो अब डेफिनेशन से कुछ हमने सीखा नहीं है क्योंकि डेफिनेशन में कोई ऐसे पॉइंट उन्होंने बताया ही नहीं। ओपन मार्केट प्राइस मीन्स द पैसे विच डैट सेल और मिलती जुलती सेल वुड जनरली रिसीव इन एन ओपन मार्केट। ओके, सिमिलर सप्लाई क्या होती है? सिमिलर सप्लाई ये होती है कि मिसाल के तौर पर दुकानदार ने पूरा साल ये काला मार्कर भी बेचा है और ये लाल मार्कर भी बेचा है। आई होप इसका लाल पर नजर आ रहा होगा, हाथ खड़ा कर दो। ये सॉरी ये हैंड हो गया। अच्छा, दुकानदार ने काला मार्कर भी बेचा है और असद ये कौन सा रंग है? लाल। अच्छा, ये काला मार्कर भी बेचा दुकानदार ने और लाल मार्कर भी बेचा। अब सवाल ये है कि ये काला मार्कर दुकानदार पूरा साल बेचता रहा, लाल मार्कर भी बेचता रहा, साल के एंड पे लाल की शॉर्टेज हो गई, लाल मशहूर हो गया तो लाल की शॉर्टेज हो गई। अब लाल बाजार में मिल नहीं रहा। अब जब लाल बाजार में मिल नहीं रहा तो मजबूरन क्या मिल रहा है? सिर्फ काला मार्कर। अब जब काला मार्कर बाजार में मिल रहा है तो इसका मतलब है अब लाल मार्कर की अगर फेयर वैल्यू पता चलाना चाहे कमिश्नर तो बाजार में तो पता नहीं चलेगी। तो इसलिए फिर लाल जैसा कोई ढूंढा जाएगा, और लाल जैसा आपको पता है काला होता ही है, तो फिर लाल जैसा कोई ढूंढा जाएगा, तो लाल जैसा ढूंढा जाएगा और उसकी प्राइस लगाई जाएगी। तो ये दोनों आपस में सिमिलर सप्लाई है। क्या है? सेम नहीं है बल्कि क्या है? सिमिलर, मिलती जुलती। तो मिलती जुलती है ये, क्लियर? चार चीजें मिलती जुलती होनी चाहिए। नंबर वन करेक्टरिस्टिक्स, दोनों लिखने के काम आते हैं। नंबर टू क्वांटिटी, ये भी एक है, ये भी एक है। नंबर थ्री रॉ मटेरियल, दोनों में एक तरह का रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है या कंपोनेंट्स अंदर जो इस्तेमाल हुए हैं। तो रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, करेक्टरिस्टिक्स और क्वांटिटी, जिस चीज की सिमिलर हो उस चीज को क्या कहा जाता है? सिमिलर सप्लाई। सप्लाई से मतलब सप्लाई क्या है? नहीं, सप्लाई, सप्लाई से मतलब सेल। ओपन मार्केट प्राइस, ओपन मार्केट प्राइस मींस द पैसे उत्तरी है नीचे आए सिमिलर सप्लाई, सिमिलर सप्लाई इन रिलेशन टू ओपन मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स मींस इन रिलेशन टू रेड मार्कर मींस एनी अदर मार्कर, एनी अदर सेल ऑफ गुड्स, गुड्स से मुराद ब्लैक। सिमिलर सप्लाई इन रिलेशन टू ओपन मार्केट प्राइस ऑफ रेड मार्कर मींस एनी अदर सेल ऑफ ब्लैक मार्कर विच क्लोजली और सब्सटेंशली, क्लोजली होते हैं 100%, ये दोनों 100% एक हैं, सिर्फ कलर का फर्क है। क्लोजली होते हैं 100% और सब्सटेंशली होते हैं 95%, विच क्लोजली और सब्सटेंशली रिजेंबल्स, क्लोजली और सब्सटेंशली रिजेंबल्स। क्या क्या चीजें मिले आपस में? दोनों लिखते हैं, दोनों एक हैं, कंपोनेंट्स या मटेरियल्स दोनों के क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ऑफ द अफोरमेंशन्ड गुड्स, अफोरमेंशन्ड गुड्स से मुराद यहां रेड मार्कर है। अगर अफोरमेंशन्ड आपको लफ्ज अच्छा नहीं लग रहा तो ऑलरेडी मेंशन्ड भी आप पेपर में लिख सकते हैं। तो ये वो ब्लैक मार्कर वो है जो रेड से मिलता जुलता हो। अफोरमेंशन्ड को ऑलरेडी मेंशन्ड लिख लें, आसान जरा हो जाएगा। पेपर में भी ऑलरेडी मेंशन्ड लिख दीजिएगा। सिमिलर सप्लाई इन रिलेशन टू ओपन मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स मींस एनी अदर सप्लाई ऑफ ब्लैक मार्कर विच क्लोजली और सब्सटेंशली रिजेंबल्स द रेड मार्कर इन करेक्टरिस्टिक्स, इन क्वांटिटी, इन कंपोनेंट्स एंड इन मटेरियल। सप्लाई चेन इंपोर्टर, देखते रहिएगा ऊपर, इंपोर्टर कोई चीज इंपोर्ट करके देता है मैन्युफैक्चरर को। मिसाल के तौर पे हायर कंपनी मैन्युफैक्चरर है तो किसी इंपोर्टर ने एसी के अंदर लगने वाली कोई मोटर मंगवा के दे दी, इंपोर्टर ने कोई चीज मैन्युफैक्चरर को दी, मैन्युफैक्चरर ने एसी बना के होलसेलर को दिया। होलसेलर वो होते हैं जो हजार हजार दो हजार एसी खरीदते हैं एक वक्त में। तो होलसेलर ने हजार या दो हजार एसी खरीद लिए,
फिर होलसेलर्स जाते हैं रिटेलर्स की दुकानों पे, और हर रिटेलर को 50-50, 60-60 एसी बेचते हैं, क्योंकि आम दुकानों के ऊपर हजार हजार एसी नहीं पड़े होते, आम दुकानों पे 50-60 एसी आपको पड़े नजर आएंगे, लेकिन मैन्युफैक्चरर के पास आप चले जाएंगे तो 3-4-6 हजार एसी पड़े नजर आएंगे, लेकिन होलसेलर के पास चले जाएंगे तो हो सकते पंजाब के इलाके का होलसेलर अलग हो, सिंध के इलाके का होलसेलर अलग हो। तो होलसेलर वो होते हैं जो मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं और आगे किसको बेचते हैं, रिटेलर को। तो इधर आप जाएंगे आपको 7-8 हजार एसी नजर आएंगे, उसमें से 7-8 हजार में से एक होलसेलर को हजार बेच दिए जाएंगे और वो होलसेलर किसी एक रिटेलर को उसमें से 50-60 बेच देगा, इसी तरह हर रिटेलर को थोड़े थोड़े बेचेगा, और वो रिटेलर्स फिर मुझे और आपको कंज्यूमर्स यानी कस्टमर्स यानी मैंगो पीपल को बेचेंगे। लेकिन खुदा के लिए ये बायोलॉजी की क्लास नहीं हो रही, कस्टमर दोबारा इंपोर्टर को ना बिकवा दीजिएगा, एसी फिर पता नहीं एसी की दही बन जानी है। तो ये कौन सी चेन है, सप्लाई चेन। मैं कर लेता हूं नोट दोबारा, कॉपी पेस्ट, चलिए दोबारा नोट होगी। टेस्ट रूम, ड्राइंग रूम में बैठ के टेस्ट दिया करें ऑनलाइन वाले। पंखा बंद करके पसीना आ रहा हो, टप टप कतरे गिर रहे हो, फिर बंदा जल्दी जल्दी टेस्ट देता है, यार चलो यार बहुत गर्मी लग रही है जल्दी जल्दी टेस्ट दो। मरहबा मेरे भाई, मरहबा, आगे आ जाए, वो तो डाउन गया हुआ है बेंच, आप नजर आने चाहिए मुझे। ब्रोस के पास आ गए आपने, अच्छा जी, न्यूमेरिकल जो एओपी का होगा तो एओपी भी तो बिजनेस कर रही होती है ना, तो उसमें बिजनेस की ही एडजस्टमेंट्स होती हैं। एओपी के न्यूमेरिकल में फर्क क्या है, बस वो सुहेल खालिद काजी वाली एक वर्किंग होनी होती है या फिर बाकी रस्ते टोटल वाली एक वर्किंग होनी होती है। कुछ ज्यादा तफसीलात चाहिए तो क्लास के बाद आ जाओ, टेस्ट रूम में मैं आपको ले जाता हूँ। 33A नहीं, इस तरह बड़ों को नहीं कहते, मैं खुद ही चला जाता हूँ, फिर बात को बढ़ाते नहीं है। 33A सप्लाई चेन means a series of transactions between the buyers and sellers, means the series of transactions between buyers and sellers from the stage of first purchase or import till the stage of final sale, from the stage of first import till the final sale, from the stage of first import till the final sale. इसने सबके नाम यूज नहीं किए, पहला वाला नाम यूज किया टिल द स्टेज ऑफ फर्स्ट परचेज और इंपोर्ट, इंपोर्टर फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं ना, टिल फाइनल सेल। फाइनल सेल किसको होती है, कस्टमर को। चलें भाई बस ये दो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे आज, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, फिर हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल शुरू करने लगे सेल्स टैक्स का। देख लें रिटेलर के डेफिनेशन कितने सफों पे हैं, देख लें। अच्छा चलिए अभी वापस आ जाए, आप मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर। कल किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, मैन्युफैक्चरर, आज किसकी पढ़े हैं, चरर। किसकी डेफिनेशन पढ़ने लगे, चरर की। कल क्या किया था, चरा था, आज चरर करेंगे। मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर इज अ पर्सन हु इज एंगेज्ड, आप भी एंगेज्ड हैं भजन, यू आर एंगेज्ड इन स्टडीज, बात तो बोल समझा करो। अच्छा ये वो बंदा होगा जो एंगेज्ड होगा, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर इज अ पर्सन हु इज एंगेज्ड, चाहे पूरा चाहे थोड़ा सा, वेदर एक्सक्लूसिवली और नॉट, वेदर एक्सक्लूसिवली और नॉट। होंडा एटलस कार एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, होंडा एटलस कार और नॉट की कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये होंडा सिटी और होंडा सिविक बना के बेच रहे हैं और होंडा एकॉर्ड खरीद के बेच रहे हैं, बाहर के मुल्क से इंपोर्ट करते हैं और बेच देते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जैसे रॉयल फैन वाले, और कुछ लोग होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, और कुछ चीजें जो ज्यादा महंगी होती हैं वो फिर पाकिस्तान में नहीं बनाते, सिर्फ बाहर के मुल्क से खरीद के बेच देते हैं आज तक। तो बहुत सी गाड़ियां पाकिस्तान में जो बन नहीं रही, तो होंडा एटलस कार अगर वो वाली गाड़ियां बेचने लगे बाजार में, तो क्या होंडा एटलस कार सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करेगा और नॉट की कैटेगरी में आएगा, लेकिन स्टिल होंडा एटलस कार को मैन्युफैक्चरर ही कहेंगे क्योंकि थोड़ी बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग भी तो कर ही रहा है। तो और नॉट का मतलब यह है मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रेडिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, यानी बना के भी चीजें बेच रहे और खरीद के भी बेच रहे हैं। क्लियर, ये जाली अभी तक बाहर निकली है, ओहो यार बता देना उनको।
पर्सन, अबू बकरी बता देना, अ पर्सन हु इंगेज वेदर एक्सक्लूसिवली और नॉट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इसका क्या मतलब है? वेदर द रॉ मटेरियल इज ओन्ड बाय हिम और नॉट। भाई आपके घर के अंदर फुफो आई, चले खाला आई, अम्मी ने प्रोटोकॉल देने का सोचा, तो खाला आई तो अम्मी ने प्रोटोकॉल देने का सोचा, अम्मी ने कहा चलो जी अब मैं बनाती हूँ इनके लिए मटन लैम्ब रोस्ट। अब मटन लैम्ब रोस्ट जो है वो बनाया। अब आप पूछ रहे थे फुफो आई तो चिकन बनाया था आपने, अच्छा तो अब अम्मी ने बनाया इनके लिए मटन लैम्ब रोस्ट। जब मटन लैम्ब रोस्ट बनाया तो अम्मी ने कहा मैं बना के थक गई हूं, कस्टर्ड हमसाए में जो औरत है उससे बनवा लेती हूँ, तो रॉ मटेरियल अम्मी भेजेंगी। बोले बोले बोले, रॉ मटेरियल भेजेंगी, कस्टर्ड बनाने का रॉ मटेरियल भेजेंगी, या उन्हें कहेंगी ये दूध और ये सारी चीजें खुद ही डाल लेना? ना 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 ना, रॉ मटेरियल भेजेंगी। तो आप बताएं वो जो रॉ मटेरियल भेजा है अम्मी ने हमसाई वाली औरत को, क्या वो रॉ मटेरियल ओन कर रही है या रॉ मटेरियल किसी और का है और खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रही है? रॉ मटेरियल किसी और का है, क्लियर होगी बात? चलें, अच्छा हमारी नजर में दोनों मैन्युफैक्चरर हैं, अम्मी भी मैन्युफैक्चरर हैं और साथ वाले जो हमसाई में औरत है वो भी मैन्युफैक्चरर है। अम्मी जो मटन लैम रोस्ट बना रही है वो तो रॉ मटेरियल भी ओन कर रही है और उसको मैन्युफैक्चर भी कर रही है, लेकिन जो साथ वाली औरत है वो रॉ मटेरियल तो ओन नहीं कर रही लेकिन स्टिल वेदर द रॉ मटेरियल इज ओन्ड बाय हर और नॉट। क्लियर हो गया? तो जरूरी नहीं है कि आप रॉ मटेरियल ओन कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है आप रॉ मटेरियल ओन किए बगैर काम कर रहे हो। मिसाल के तौर पे, पता नहीं कौन सा पेज है हमारी किताब में, पेज 462। मिसाल के तौर पे कुछ आने वाले दिनों के अंदर हम एग्जांपल पढ़ेंगे पेज 462 के ऊपर, यहां तो नजर नहीं आएगी, बड़ी मिसप्रिंट सी नजर आ रही है। पेज 462 के ऊपर हम एग्जांपल पढ़ेंगे कि होंडा इमरान खान को रॉ मटेरियल देगा, इमरान खान को कहेगा सुने आजकल आप फ्री हैं, इमरान खान कहेगा जी आजकल तो मैं फ्री हूं, तो आप बनी गाला के अंदर जो है वो टायर ही बना के दे दो यार, हमें बनी गाला के अंदर कोई बेसमेंट में फैक्ट्रियां खुली नहीं है टायर बन रहे हैं, तो आप पीएमएल वाले थे, अच्छा तो होंडा कार्स वाले रॉ मटेरियल देंगे इमरान खान को, इमरान खान टायर बना के वापस कर देगा होंडा को। तो आप बता दें इमरान खान रॉ मटेरियल ओन कर रहे हैं या वो हमसाए वाली और जैसा काम कर रहे हैं? मतलब कि अपने रॉ मटेरियल पे काम कर रहे हैं कि दूसरे के रॉ मटेरियल पे? गहराई में ना चले जाया करें बात की, प्रॉपर से बात देखा करें। तो ये जरूरी नहीं है कि आप रॉ मटेरियल लोन कर रहे हो, आप किसी और के रॉ मटेरियल पे भी काम कर सकते हैं, यू विल स्टिल बी कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरर। एंड और बाद में फूफो ने तारीफ कर दी, कस्टर्ड बड़ा मजे का था। अच्छा दूसरी चीज बस नॉर्मल थी, एंड खाला ने एंड शैल इंक्लूड, और इसमें यह भी शामिल है, ये तो कल पढ़ लिया था, अ पर्सन हु बाय एनी प्रोसेस सैंपल मिक्स कट डाइल्यूट बॉटल पैकेजेस रीपैकेजेस और प्रिपेयर गुड्स बाय एनी अदर मैनर, ये कल पढ़ा था जो आपने याद किया था किचन में बैठ के, हॉस्टल में किचन नहीं है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बी सीरियस। अच्छा जी आगे पढ़ते हैं, अच्छा मोहतरम दो लफ्ज हैं, असाइनी इन बैंकरप्सी और लिक्विडेटर। हमने कहा हमें नहीं पता ये क्या है, लॉ मेकर ने कहा मैं तुम्हें सबज में बता तो रहा हूं क्या है ये, कहते मैं इसकी डेफिनेशन देता हूं, तुम्हें नहीं पता असाइनी इन बैंकरप्सी क्या है, तुम्हें नहीं पता लिक्विडेटर क्या है, ये वो बंदा होता है जिसका सब लुट जाए, नहीं ये वो बंदा नहीं होता, ये वो बंदा होता है जिसका सब लुट जाए तो उस बंदे के पास जाए और उसे कहे सुने तेरा सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया, तू बैंकरप्ट हो गया, तो मैं तेरे बिजनेस को वाइंड अप करने में हेल्प कर दूं। तो मिसाल के तौर पर कोई बंदा जो है वो सड़क पे गया और सड़क पे जाते हुए उसका साइकिल उसका मोटरसाइकिल गिर गया, सारी चीजें इधर उधर फैल गई और सब कुछ उसका बर्बाद हो गया, तो जिस बंदे ने जाके उसकी चीजों को समेटा और सारी हेल्प की वो लिक्विडेटर है। तो बिजनेसेस में अगर कभी चलता चलता बिजनेस बंद हो जाए मैन्युफैक्चरर का, क्योंकि बैंक मैन्युफैक्चरर के पास बैंक लोन वापस करने के पैसे ना बचें, तो मैन्युफैक्चरर का बिजनेस क्या करना पड़ता है? शट डाउन करना पड़ता है। वो शट डाउन करने के लिए एक बंदा हुकूमत की तरफ से आता है। मिसाल के तौर पे डॉलेंस वाले कहते हैं जी हम अपना कारोबार बंद कर रहे हैं, तो हुकूमत कहेगी अच्छा चलो शेख रशीद आपके पास आएंगे, शेख रशीद जाके बैठेंगे दो चार दिन उधर, वो क्या करेंगे, वो इनके एसेट्स की लिस्ट बनाएंगे, लाइबिलिटीज की लिस्ट बनाएंगे, एसेट्स इनके बेचेंगे, बेच के जिस चीज के पैसे होंगे उनको वापस करेंगे, कोई बचे कुछ पैसे हुए तो शेयर होल्डर्स को भी वापस कर देंगे। तो जो बंदा मैन्युफैक्चरर के बिजनेस को संभाले जब वो बिजनेस लिक्विडेट हो रहा हो और हुकूमत ने उस बंदे को भेजा हो, उस बंदे को क्या कहते हैं, लिक्विडेटर या असाइनी, उसे असाइनमेंट मिली है इन बैंकरप्सी, कोई और बैंकरप्ट हुआ है तो उसके एसेट्स को संभाल रहा है। इट शैल इंक्लूड एन असाइनी इन अ बैंकरप्सी और अ लिक्विडेटर एंड एनी पर्सन who disposes of assets of manufacturer in any law capacity, who disposes of assets of manufacturer in any law capacity। आप बताएं असाइनी और बैंकरप्सी और लिक्विडेटर एक ही लफ्ज है,
इसकी डेफिनेशन बता दें क्या है। इट इज अ पर्सन हु डिस्पोजेज ऑफ द एसेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर इन एनी लॉ कैपेसिटी, जो लॉ की कैपेसिटी के अंदर जो है वो क्या करे, चीजों को बेचे। अब मेरे पानी पीने का वेट कर रहे। अच्छा चले आगे, ये नंबर वन नाम है इसका, ये नंबर टू नाम है इसका, और ये डेफिनेशन है इसकी ग्रीन में। शाहिद अफरीदी ने मैन्युफैक्चरिंग राइट ले लिया गुरमे कोला का और कहा कि आजाद कश्मीर में मैं गुरमे कोला की फैक्ट्री खोलूंगा और गुरमे बना के बेचूंगा। अब ये जो शाहिद अफरीदी ने मैन्युफैक्चरिंग राइट ले लिया गुरमे कोला का, तो ऐसी सूरत के अंदर शाहिद अफरीदी क्या करेगा? ऐसी सूरत में शाहिद अफरीदी जब तक मैन्युफैक्चरिंग शुरू ना कर दे तब तक भी इसको मैन्युफैक्चरर कहा जाएगा, और जब मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दे तब भी इसको मैन्युफैक्चरर कहा जाएगा। एनी शाहिद अफरीदी, कोई भी शाहिद अफरीदी, वो बोला नहीं जो आप सोच रहे हैं, एनी शाहिद अफरीदी हु यूजेस एनी पेटेंट और राइट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, गोरमे का नाम यूज कर रहा है या गोरमे का फॉर्मूला यूज कर रहा है, पेटेंट या मैन्युफैक्चरिंग राइट, एनी शाहिद अफरीदी हु यूजेस पेटेंट और राइट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोटल्स, वेदर और नॉट शाहिद अफरीदी सेल्स और डिस्पोजेस द बॉटल्स। ये जरूरी नहीं है कि शाहिद अफरीदी बोतलें बेचे भी, बल्कि ऐसा भी हो सकता है अभी शाहिद अफरीदी सिर्फ लैंड ढूंढ रहा हो फैक्ट्री के लिए, स्टिल ही विल बी कॉल्ड एज, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग शुरू तो करने लगा ना। ठीक है, आप लोग एफएससी के पेपर देते सीए नहीं भी शुरू किया होता था, कोई पूछता जी मैं सीए करने लगा हूं, जी मैं सीए कर रहा हूं, तो इसी तरह अगर ये मैन्युफैक्चरर अभी नहीं भी बना और इसने भी बोतलें बनाना नहीं भी शुरू की तो ही विल स्टिल बी कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरर। ये क्या लाइन लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है? वेदर और नॉट शाहिद अफरीदी सेल्स और डिस्पोजेस ऑफ द गुड्स का क्या मतलब है? चाहे उसने बेचनी शुरू कर दी है, चाहे उसने बेचनी शुरू नहीं की, दोनों सूरत में ही विल स्टिल बी कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरर। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरर को इंग्लिश का फिगर दोबारा पढ़ लें, बल्कि सारा रिवाइज कर लें। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? इट इज अ पर्सन हु इज एंगेज्ड वेदर एक्सक्लूसिवली और नॉट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इट इज नॉट नेसेसरी कि ही इज ओनिंग द रॉ मटेरियल और नॉट। नेक्स्ट, इट शैल इंक्लूड एनी पर्सन हु बाय एनी प्रोसेस मेक्स कट्स डाइल्यूट्स बॉटल्स पैकेजेस और रीपैकेजेस द गुड्स, एंड इट इज अ पर्सन हु इज असाइनी इन बैंकरप्सी और अ लिक्विडेटर, मींस अ पर्सन हु डिस्पोज ऑफ द एसेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर इन एनी लॉ कैपेसिटी, एंड एनी शाहिद अफरीदी हु ओन्स गोरमे का नाम फॉर बॉटल्स, वेदर और नॉट शाहिद अफरीदी सेल्स और डिस्पोज ऑफ द बॉटल्स। अभी जरूरी नहीं है उसने बेचनी शुरू की हो सकता है उसे सिर्फ अभी राइट मिला हो बेचने का, स्टिल ही विल बी कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरर। अच्छा जी, अगली लाइन में ये क्या लिखा हुआ है? संडे के दिन आपने किसी स्टूडेंट से पूछा आप कौन हो, उसने कहा मैं स्टूडेंट कम फुटबॉलर हूं। आपने कहा क्या मतलब? कहते सुबह पढ़ के आए हैं शाम को फुटबॉल खेलने जा रहा हूं, तो स्टूडेंट कम फुटबॉलर क्या मतलब? दोनों काम कर रहे हैं ना। ये कौन होते हैं? मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर। ये काम पंजाबी वाला नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग भी मेरा काम है तो एक्सपोर्ट भी मेरा काम है, ये काम अंग्रेजी वाला है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा हो और साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर रहा हो, ही विल बी कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो एक्सपोर्ट काम कर रहा हो तो फिर वो ये काम काफ मीम वाला काम नहीं है। तो जो बंदा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को मिला ले ही विल बी कॉल्ड एज, आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे एक्सपोर्टर्स को बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे और एक्सपोर्टर्स को टैक्स अगर जमा भी करा दिया कभी तो रिफंड हो जाएगा। जो एक्सपोर्टर रिफंड लेना चाहता है तो वो साबित करे कि मेरी ओन्ड फैक्ट्री है, किराए की फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। तो एक छोटी सी शर्त है, इसको याद कर लें, फिर कभी इसको अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में। फॉर क्लेमिंग द रिफंड Only that person shall be treated as manufacturer come exporter who has his own manufacturing facility. जिसकी क्या है? अपनी manufacturing facility. अच्छा इधर आ जाए। हश पपीज, साथ वाले के जूते देखें। हश पपीज वाले जनरल पब्लिक को या कस्टमर्स को जूता बेचते हैं 5,000 का, सोल्ड टू कस्टमर 100 रुपए। सोल्ड टू बाटा, हर्ष पपीज वाले बाटा को भी जूते बेचते हैं अपने हर्ष पपीज के,
वो लोग हाथ खड़ा करें कहें जिन्होंने बाटा की दुकान पे हश पपीज के जूते देखे हैं। वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने बाटा की दुकान पे हश पपीज के जूते देखे हैं। दूसरी क्लास में को हाथ खड़ा करें, एक बंदा, एक बंदा, और दूसरी क्लास में को दूसरा बंदा हाथ खड़ा करें। तो मोहतरम, बाटा की दुकानों पर हश पपीज के जूते होते हैं, कभी आप निकल के देखें, मुख्तलिफ जगहों पर आपको ये जूते मिलेंगे। जहाँ पर हश पपीज वाले अपनी दुकान नहीं खोल पाते, वहाँ पर बाटा वाले से कहते हैं कि आप थोड़ा सा एक रैक रख लें और हमारे जूते वहाँ रख के बेचें। तो क्या चीज़, जो भी हो गया, तो ऐसी सूरत के अंदर हश पपीज वाले अपने जूते बेचते हैं बाटा को, ताकि बाटा आगे किसको बेचे, कस्टमर्स को बेचे। तो बाटा को ये लोग 4800 का जूता क्यों बेच रहे हैं, ये क्या चक्कर है? बाटा को 4800 का बेच रहे हैं, कस्टमर को 5000 का बेच रहे हैं। अगर हश पपीज की अपनी दुकान है, कि दुकानों के ऊपर आपने बाहर लिखा हुआ देखें हश पपीज, हश पपीज, तो हश पपीज की जो अपनी दुकान है वहां पर जूता 5000 का मिल रहा होगा, लेकिन बाटा की दुकान पे जो जूता हश पपीज ने बाटा को बेचा होगा वो 4800 का बेचा होगा, ताकि बाटा में मैं और आप जाएं, तो बाटा वाले हमें कितने का बेचें, 5000 का। क्लियर? क्योंकि कस्टमर को तो इससे कंसर्न नहीं है कि मैं हश पपीज की दुकान में जाके जूते लूं या मैं बाटा की दुकान में जूते लूं, वो तो यही कहेगा कि जूता वहां 5000 का मिल रहा है तो इधर भी कितने का मिलना चाहिए, 5000 का। तो ये हश पपीज वाले बाटा को सस्ता जूता क्यों बेच रहे हैं, इसकी आसान सी वजह बता दें जल्दी से, ताकि बाटा ने अपना भी तो आगे प्रॉफिट रखना ना। बाटा 4800 का इससे खरीदेगा, आगे कस्टमर को कितने का बेचेगा, और कस्टमर को एक जूता बेचेंगे, सॉरी एक जूता नहीं, एक पेयर, कस्टमर को एक जूते का पेयर बेचेंगे, और इसको 15, 20, 30, 40 पेयर्स बेचेंगे जूतों के, ताकि ये आगे इनको क्या कर सके, कस्टमर्स को बेच सके। अच्छा, इसे कहते हैं होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस होती है, मैंने बिग क्वांटिटी में इन्होंने बाय किया था, 4800 को कहते हैं होलसेल प्राइस, और 5000 को रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे किसको बेचा जा रहा है, कस्टमर को। और होलसेल प्राइस इसलिए इसे कहते हैं कि इस पे कस्टमर को नहीं बेचा जा रहा, बल्कि हश पपीज वाले 4800 रुपए की एंट्री करेंगे, कैश डेबिट सेल क्रेडिट 4800 रुपए। लेकिन ये सेल किसको की है इन्होंने, नोट कर लें, ये रिटेलर जो आ रही है ना अगली डेफिनेशन, उसके अंदर है ये बात। ओके, अच्छा, हश पपीज वाले दो काम कर रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और दूसरा रिटेल भी कर रहे हैं। क्या मतलब, इनकी फैक्ट्री भी है, फैक्ट्री से डायरेक्ट बाटा को भी जूते बेचते हैं और अपनी दुकानों पे भी रख के जूते बेचते हैं फिर आगे। तो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और साथ रिटेल भी कर रहे हैं। लेकिन पेप्सी कोला वाले आप नहीं कह सकते कि मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल कर रहे हैं, क्योंकि कभी आपने किसी दुकान के बाहर ये नहीं लिखा देखा होगा ये पेप्सी की दुकान है, यहाँ जेन्युइन पेप्सी मिलती है, जाली पेप्सी बचने के लिए हमारी दुकान पर तशरीफ लाएं, तो ऐसी बात आपको नहीं मिलेगी। पेप्सी की कहीं भी कोई आउटलेट नहीं है, पेप्सी की कोई रिटेल शॉप नहीं है, लेकिन हश पपीज की रिटेल शॉप्स भी हैं और हश पपीज के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी है। रिटेलर मीन्स अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स टू मांजो पीपल, फॉर इस्तेमाल करना या फॉर जूते मारना, फॉर इस्तेमाल करना। रिटेलर मीन्स अ पर्सन हु इज सप्लाइंग जूते टू द जनरल पब्लिक फॉर कंजम्पशन। ओके, अ पर्सन कंबाइनिंग द बिजनेस ऑफ, अगले सफे पे आइएगा असद, अटेंटिव, अ पर्सन कंबाइनिंग द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर विद रिटेल, अ पर्सन कंबाइनिंग द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर विद रिटेल, अगले सफे पे, अ पर्सन कंबाइनिंग द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर विद रिटेल शेल नोटिफाई, नोटिफाई का क्या मतलब है, नोटिफाई टू FDR and advertise in newspaper, shall notify to FDR and advertise in newspaper wholesale prices, कितनी है, 4800, और retail prices 5000 separately। अब हश पपीज कहेगा जिसने मेरी दुकान से जूते आके लेने हैं वो 5000 में ले ले, और कोई बंदा मेरे जूते रख के आके बेचना चाहता है तो उसे मैं फिर 5000 से थोड़े कम लगा दूंगा, वो 4800 में मेरे से आके ले ले। तो ये कितनी प्राइसेस बताएगा फिर, दो प्राइसेस, नंबर वन होलसेल प्राइस अलग बताएगा और रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस पे बंदा जाके एक जूता खरीद सकेगा, लेकिन होलसेल प्राइस पे आपने 100-200 जूते खरीदने पड़ेंगे आपको, ताकि आप रख के आगे उनको बेच सकें। एंड डिक्लेयर टू FBR, कौन डिक्लेयर करे FBR को, हश पपीज वाले क्या डिक्लेयर करें, वो बोले एड्रेस ऑफ रिटेल आउटलेट्स। क्या हश पपीज के रिटेल आउटलेट्स होंगे पाकिस्तान में, लाहौर में शायद 20-25 हो, इसी तरह हर शहर के अंदर जो जो रिटेल आउटलेट्स होंगे इनके एड्रेस कौन किसको बताए,
हश पपीज वाले किसको बताएं? एफबीआर को बताएं। अच्छा, इंपोर्ट एंड रिटेल का बिजनेस भी कोई मिला सकता है, इंपोर्ट एंड रिटेल का, वो कैसे हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे कोई नाइकी शूज हैं, वो पाकिस्तान में नहीं बन रहे, तो कोई बंदा फिर नाइकी शूज को इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करके अपनी दुकान नाइकी की बना ले तो उधर 5,000 की बेचेगा, लेकिन नाइकी वाले शूज अगर बाटा की दुकान को बेच रखवा के बेचे तो शायद 4,500 की बेचे। तो कोई बंदा इंपोर्ट एंड रिटेल का बिजनेस भी मिला सकता है और साथ साथ मैन्युफैक्चर और रिटेल का बिजनेस भी मिला सकता है, दोनों बिजनेस मिला सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। चलें जी, ओवर हुआ, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अच्छा वो नोट कर लो, कैमरा उधर करो, वो नोट कर लो, किसी ने करना है तो। बंद हुए हमें ऐसी, किसने बंद की हुए? ऑन करो ना रिमोट, है किसी के पास? वो उस कमरे से आए, एसी ऑन करें। चलें जी, यही डेफिनेशन है, इसको मैंने आपको समझाना है, इसको आपने घर जाके अच्छे तरीके से याद भी करना है। इंपोर्टर इज अ पर्सन हु इंपोर्ट गुड्स, ये ना एक पूरी डेफिनेशन है, यानी इंपोर्टर ना एक ऐसा बंदा होता है जो इंपोर्ट कर ले चीजें, क्योंकि हम समझते थे शायद एक्सपोर्ट करने वाला इंपोर्टर होता है, तो कहता है नहीं इंपोर्टर। और अगली बात इसमें इतनी इंपॉर्टेंट है कि इंपोर्ट करके पाकिस्तान में मंगवाए, हीरो शिबाज शरीफ ने तो कह दिया खत्म ही कर दो ना इंपोर्ट, उसे फारक करो, लेकिन वैसे इंपोर्टर की डेफिनेशन तो अभी तक लॉ में है। तो इंपोर्टर इज अ पर्सन हु इंपोर्ट गुड्स, इस पे आप कुछ तफसील अगर आपकी तरफ से कुछ चाहते हैं तो मैं बता दूं, कुछ तफसील थोड़ी सी हो जाए, क्लास के बाद आना जरा। अच्छा चलें, होलसेलर की डेफिनेशन अब हम कल पढ़ेंगे जब आप तैयार होकर आएंगे। पेज नंबर 460 पे आ जाएं, न्यूमेरिकल पहला। न्यूमेरिकल है, कली है, चलें इसको फिर खेलने दें। अच्छा जी, वो हाईलाइटर किसके पास है? एक तरफ से येलो, दूसरी तरफ से ऑरेंज, जबरदस्त। ये जी हाईलाइटर है, एक मार्केट में आया हुआ है, ये दो धारी तलवार है, क्या है? दो धारी तलवार है, इसकी मैं ज्यादा कराने आ रहा हूं आपको, ये दो धारी तलवार है, ये मार्कर क्या है? दो धारी तलवार है। स्वैप हो गया, चलो खैर, किधर है, कौन है? इसी तरह भाई सेल्स टैक्स दो धारी तलवार है, सेल्स टैक्स दो धारी तलवार है, सेल्स टैक्स पे भी होता है और सेल्स टैक्स रिकवर भी होता है। होंडा एटलस कार वाले गाड़ी खरीदने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए टायर खरीदने गए, भाई जान ठंडे हो जाए, होंडा एटलस कार वाले गाड़ी बनाने के लिए टायर खरीदने गए, 1,00,000 रुपए का टायर खरीदा, लेकिन जब बिल बना के दिया जनरल टायर वालों ने तो उन्होंने 1,17,000 का बिल बना के दिया, तो हमने उनको पे कर दिया, अब अपने मुसलसल आधा घंटा सुनते रहने, हमने उनको पे कर दिया 1,17,000, तो 1,17,000 में हमने 17,000 क्या पे किया? सेल्स टैक्स पे किया। फिर हम अगली दुकान पे गए, हमने दुकान पे कहा भाईजन हमने खरीदना है टेप रिकॉर्डर, दुकानदार ने कहा ठीक है जी कैनवुड का लगा लें आप होंडा की गाड़ी में, जरा अच्छा लगेगा, तो कितने का जी? 2,00,000 रुपए का। अच्छा, 2,00,000 रुपए का टेप रिकॉर्डर हमने खरीदा, तो हमने जब पेमेंट करने लगे तो दुकानदार ने कहा भाईजन सेल्स टैक्स इस पे लगता है, ये एग्जेम्प्ट गुड्स नहीं है, ये टैक्सेबल है, तो आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे तंदूर की रोटी एग्जेम्प्ट है, उस पे सेल्स टैक्स ना कभी देने लग जाइएगा, 100 रुपए की रोटी पे 17 रुपए देके आ रहे हो, 100 रुपए की 10 रोटियां, 100 रुपए की रोटी ना समझ लें। अच्छा, तो कुछ चीजें सेल्स टैक्स में एग्जेम्प्ट होती हैं, कुछ क्या होती हैं? टैक्सेबल होती हैं। अब हुआ क्या, आप दुकान के ऊपर जो है वो खरीदने गए टेप रिकॉर्डर, जब आपने टेप रिकॉर्डर खरीदा तो कितने पैसे आपने पे किए? 2,00,000। जब आपने 2,00,000 पे किए तो दुकानदार ने कहा सॉरी सॉरी, अगर आपको टेप रिकॉर्डर चाहिए तो आप 2,00,000 भी देंगे, 2,00,000 का 17% 34,000, मुझे टोटल 2,34,000 दें। तो दुकानदार ने आपको बिल बना के दे दिया 2,34,000 का, ये आप 2,34,000 पे करके अगली दुकान पे गए, और अगली दुकान पे जाके आपने कहा भाईजन मुझे लोहा चाहिए, लोहा चाहिए, अब लोहा खरीदने, सरिया तो नहीं डालना गाड़ी में, लोहा चाहिए,
तो आप लोहा खरीदने जब आप गए तो दुकानदार ने कहा भाईजान 3 लाख रुपए का लोहे का बिल बना है, ये भी टैक्सेबल चीजें हैं, तो 3 लाख पे 17% बनता है 50, अटेंड सुनते रहे, 3 लाख पे 17% बनता है 51,000, तो अब आप मुझे 51,000 पे करें। अब दुकानदार 17,000 पे करके आया टायर वाले को सेल्स टैक्स, वो 17,000 टायर वाला हुकूमत के खजाने में जमा करा देगा। दुकानदार 34,000 पे करके आया कैनवुड वालों को, वो कैनवुड वाले हुकूमत के खजाने में जमा करवा देंगे। दुकानदार 51,000 पे करके आया टेप रिकॉर्डर वाले को, वो टेप रिकॉर्डर वाले सॉरी लोहे वाले को, वो लोहे वाला हुकूमत के खजाने में जमा करवा देगा। अब ये जो होंडा वाले हैं, होंडा वाले 3 मौके पे सेल्स टैक्स पे करके आए हैं। नंबर 1 परचेज ऑफ टायर, परचेज ऑफ टेप रिकॉर्डर एंड परचेज ऑफ लोहा, ये 3 मौके पे सेल्स टैक्स पे करके आए हैं। अब होंडा वालों को ये टेंशन पड़ी होगी कि ये सेल्स टैक्स का बर्डन हम किसी पे डाल लें, क्योंकि सेल्स टैक्स का बर्डन दुकानदार कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। सेल्स टैक्स को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, यानी दुकानदार से डायरेक्टली नहीं मांगा जाता, तो सेल्स टैक्स का बर्डन अब ये बर्दाश्त नहीं करना चाहता होंडा। होंडा कहते हैं ये किसी तरह बर्डन मेरे ऊपर से उतरे, 1 लाख रुपए मेरी परचेज है, 2 लाख रुपए मेरी टेप रिकॉर्डर की परचेज है, 3 लाख रुपए मेरी लोहे की परचेज है, इसके ऊपर जो टॉपिंग है 17,000 की, 34,000 की और 51,000 की, ये तो ऐसे ही मुझे मुफ्त में देनी पड़ गई। अब दुकानदार के दिल में होता है कि ये 17,000 और 34,000 और 51,000 इसका बर्डन किसी पे डाल ले। अब दुकानदार वो सॉरी मैन्युफैक्चरर यानी होंडा, होंडा की कोशिश होती है ये बर्डन किसी पे डाले। अब होंडा ये बर्डन किसी पे कैसे डालेगा, गाड़ी बनाएगा और गाड़ी बना के सरासिफ को कहेगा, सरासिफ आपके लिए हमने ये गाड़ी बनाई है, जबरदस्त किस्म की गाड़ी है, 30 लाख रुपए की गाड़ी हम आपको बेचते हैं, 30 लाख रुपए की गाड़ी आपको बेचते हैं, 3 मिलियन की, 3 मिलियन पे लगाए 17%, इसे क्या हो गया देखो जरा, 3 मिलियन पे लगाए 17% कितना आया, 5 लाख। ये अब सेल्स टैक्स कौन किससे कितना रिकवर करेगा, कौन किससे कितना रिकवर करेगा। अब जब होंडा वाले सरासिफ को गाड़ी बेचेंगे तो गाड़ी के मुंह पे नहीं बल्कि एक बिल बना के देंगे, मोहतरम ये 30 लाख की गाड़ी है, जैसे होटल में आप खाना खाने जाते हैं सेल्स टैक्स का बिल डाला होता है बीच में, ये 30 लाख की गाड़ी है, इस पे 17% 5 लाख 10 हजार बनता है, सरासिफ प्लीज 35 लाख 10 हजार अपनी जेब से निकालें और हमें दे दें, क्योंकि सेल्स टैक्स का अल्टीमेट बर्डन कस्टमर ने बर्दाश्त करना होता है, दुकानदार ने नहीं करना होता। अब दुकानदार ने कितने पैसे सरासिफ से लेने थे, 30 लाख, लेकिन लेगा कितने, 35 लाख 10 हजार, ये 5,10,000 होंडा कार्स वाले रिकवर करेंगे सरासिफ से या पे करेंगे सरासिफ को, रिकवर करेंगे। सेल्स टैक्स दो धारी तलवार है, परचेज के मौके पर पे किया जाता है और सेल्स के मौके पर रिकवर किया जाता है, और इन द एंड होंडा कार्स वाले कहेंगे 5,10,000 हमने रिकवर कर लिया, इसमें से हमें टैक्स क्रेडिट माफ कर दो, इसमें से हमें टैक्स ऑलरेडी पेड माइनस करने दो, टैक्स ऑलरेडी पेड था हमारा 17,000, 34,000 और 51,000, जो बकाया पैसे बचेंगे वो होंडा वाले गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा देंगे। तो 5,10,000 क्यों नहीं जमा करवाया, ये 5,10,000 कैसे निकले, सेल इंटू 17%, और ये कैसे निकले, परचेज इंटू 17%। तो सेल्स टैक्स एक दोधारी तलवार है जो परचेज के मौके पे पे किया जाता है और सेल्स टैक्स और सेल के मौके पे रिकवर किया जाता है, सेल्स के मौके पे क्या किया जाता है, रिकवर किया जाता है, दैट इज ऑल। अब पूरी सप्लाई चेन में ये मैकेनिज्म कैसे चलता है ये समझें जरा, पेज 460 पे। सो द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, इसको वैल्यू एडेड टैक्स भी कहा जाता है, जो बंदा पाकिस्तान में चीजों में जितनी वैल्यू एड करेगा उतना टैक्स देगा, असल में वैट वैल्यू एडेड टैक्स, ये वैल्यू एडेड ही है, होंडा ने जितनी वैल्यू एड की है उस पर टैक्स दिया है, तो ये टैक्स तो ऑलरेडी पे कर रही थी, ये वाला टैक्स आप वो पे करेगी जो भी बच जाएगा, और इस टैक्स को आप इनकम टैक्स की तरह समझ सकते हैं, ऑलरेडी पेड या ऑलरेडी पेड बाय होंडा एट द स्टेज ऑफ परचेज, ऑलरेडी पेड को आपको पता है माइनस कर देते हैं नुमेरिकल के एंड पे, तो ये उसी तरह की चीज है, ऑलरेडी पेड समझ लें इसको, या टैक्स क्रेडिट समझ लें, या टैक्स की छूट समझ लें, जो मर्जी समझ लें, इतना टैक्स आपको माफ हो जाएगा बिकॉज इतना इज ऑलरेडी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। नहीं अभी बातें खुलने दो, चलने दो आगे। इंपोर्टर, अच्छा एक इंपोर्टर है, उसने चीजें परचेज की हैं 200 रुपए की, इंपोर्टर ने चीजें परचेज की हैं 200 रुपए की, इंपोर्टर जब चीजें परचेज करेगा ना तो ये चीज पाकिस्तान में आएगी पहली दफा, इससे पहले ये चीज पाकिस्तान में नहीं थी, तो कस्टम अथॉरिटीज के ऊपर जो कमिश्नर बैठे होंगे
वो कहेंगे, कमिश्नर शेख साहब, गुजर साहब, प्राचा साहब, चीमा साहब, वो बैठे होंगे, कमिश्नर कहेंगे कि भाईजान हम हुकूमत के बंदे हैं, 200 रुपए की चीज आपने पाकिस्तान में मंगवाई है, ये 200 रुपए की चीज पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती थी। मैं फर्ज कर लें इस पाउच का, इस लिफाफे का रॉ मटेरियल, इस पाउच का रॉ मटेरियल मंगवाया, तो इंपोर्टर ने रंग बिरंगा रॉ मटेरियल जर्मनी से इंपोर्ट किया 200 रुपए का, तो कस्टम वाले कहेंगे भाईजान 200 रुपए की चीज पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो आप पाकिस्तान में ले आए हैं, तो आप अपनी परचेज पर 17%, आप अपनी परचेज पर 17% टैक्स पे करें, डेट इज 34। 34 इंपोर्टर जमा करवा देगा हुकूमत के खजाने में, हुकूमत के खजाने में इंपोर्टर की जेब से कितने चले गए, 34। जब ये 34 हुकूमत के खजाने में पहुंच जाएंगे तो इंपोर्टर किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा और मैन्युफैक्चरर को कहेगा भाईजान मोहतरम जरा मेरी बात सुनिएगा, ये बड़ा जबरदस्त किस्म का रॉ मटेरियल मैंने मंगवाया रंग बिरंगा, आप अगर इसके पोच बना देना, जिप शिप अच्छी सी लगा के धागे से स्टिचिंग कर दें, जरा दर्दी शर्दी जरा काम का पकड़िएगा कोई, ये चीज फटे ना, तो आप अगर कोई ऐसा कर लेना काम, तो अल्लाह आपका भला लगे, ये चीज आपकी बड़ी अच्छी निकल जानी है। तो मैन्युफैक्चरर ने सोचा कि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल यूज करके मैं ये बनाता हूं, तो मैन्युफैक्चरर को उसने कहा भाईजान ये चीज मैंने कितने की मंगवाई है बाहर के मुल्क से, ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं 300 की बेच देता हूं ये। अब जब मैन्युफैक्चरर को ये बेचेगा तो ये बिल जब बनाएगा तो मैन्युफैक्चरर से 300 नहीं लेगा, 300 की बजाय 300 का 17% भी लेगा, वो कितना होगा, 51। अब मैन्युफैक्चरर अपनी जेब से कितने पैसे निकाल के दे देगा, 350। आप बता दें इंपोर्टर की जेब में सेल्स टैक्स कितना रिकवर हो गया, रिकवर, सेल हमारी कितनी है, 300 पे 17%, 51 हमने पे किया या 61 हमने पे किया है या रिकवर किया है, रिकवर किया है एट द टाइम ऑफ सेल। आप बता दें हमारी होंडा एटलस कार की तरह सोच लें, जैसे उसने 5,10,000 रिकवर किया था और 17, 34 और 51 पे किया था, तो इसने 51 रिकवर कर लिया और 34। अब मुझे आप बता दें और कितना हुकूमत के खजाने में ये जमा करवाएं, ले कितना लिया था मैन्युफैक्चरर से, 300 के बिल में डाल के 51, ऑलरेडी कितना पे कर चुके हैं, 34, टू बी पेड बाय गवर्नमेंट, टू बी पेड टू गवर्नमेंट 17। अब मेरे ख्याल से जो चीज इंपोर्टर के लिए सेल है वो चीज मैन्युफैक्चरर के लिए परचेज होगी। इससे पहले कि मैं आगे पढ़ूं, इससे पहले कि मैं आगे पढ़ूं, मैं मैन्युफैक्चरर की परचेज बता सकता हूं कितनी है, जो सेल का बिल होगा इंपोर्टर के लिए वो मैन्युफैक्चरर के लिए किसका बिल होगा, परचेज का। मैन्युफैक्चरर परचेज करेगा, मैन्युफैक्चरर कहेगा मैंने परचेज की है चीजें कितने की, 300 की, उसने 300 की बेची है ना, तो मैंने 300 की परचेज की है, मैं 300 पे 51 पे कर आया हूं, मैं 300 पे कितना पे कर आया हूं, 51 पे कर आया हूं। अब मैन्युफैक्चरर की कोशिश होगी कि ये बर्डन किसी पे शिफ्ट करे, ये बर्दाश्त नहीं करेगा, मैन्युफैक्चरर कहेगा ये सेल्स टैक्स का बर्डन अगले किसी बंदे पर डालो, मैं नहीं बर्दाश्त करता। अब मैन्युफैक्चरर लेबर लगाएगा, ओवरहेड लगाएगा, दिन रात मेहनत करके इस फाइनल शक्ल में इस पोच को दे देगा जिसमें जिप भी लगी होगी, स्टिचिंग भी हुई होगी आला क्वालिटी की और जबरदस्त किस्म का 10 साल की गारंटी के साथ ये पोच जो है वो बेचने को तैयार हो जाएगा। जब मैन्युफैक्चरर ने यह चीज बनाई तो मैन्युफैक्चरर कस्टमर्स को नहीं बेचेगा बल्कि किसी होलसेलर को बेचेगा, लेकिन होलसेलर में बीच में नहीं लाया क्योंकि सवाल लेंथी हो जाना था, तो मैं रिटेलर ले आया हूं, तो मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट यह चीज दुकानदार को बेच देगा, दुकानदार को कहेगा दुकानदार यह चीज मैं आपको बेचता हूं। अब इसने कितने की दुकानदार को बेची, 700 की, तो जब दुकानदार को मेरे ख्याल से बिल बना के देगा तो ये वाला तो मैन्युफैक्चरर के लिए परचेज का बिल था, लेकिन अब मैन्युफैक्चरर एक और बिल बनाएगा, वो किसका बिल होगा, सेल का बिल होगा। ये कितने की सेल कर रहा है, 700 पे 17%, 119। बेचारा रिटेलर कितने पैसे देगा, 819। आप बताएं इसने परचेज के टाइम पे पे कितना किया है और सेल के टाइम पे रिकवर 119। अब हुकूमत को ये 119 नहीं जमा करवाएगा, ये हुकूमत को क्या कहेगा, ये हुकूमत को कहेगा कि मेरी सेल है, मैं बता देता हूं 7, सेल पे बना मेरी 17%, ये मैं करके आया था पे और ये मैं करूंगा रिकवर, तो आप बता दें कितना रिकवर किया, आप बता दें कितना पे कराया था, 51, कितना रिकवर हो गया, कितना स्टिल टू बी पेड टू गवर्नमेंट है, 68, ये गवर्नमेंट को क्या कर देगा, पे कर देगा। अब
इसका जो सेल का बिल होगा, इसका जो किसका बिल होगा, सेल का बिल होगा, मैन्युफैक्चरर का जो सेल का बिल होगा वो रिटेलर के लिए, रिटेलर के लिए कौन सा बिल होगा, परचेज का। तो ये रिटेलर के लिए परचेज का बिल बन जाएगा। रिटेलर कितने रुपए की चीज खरीदी, 700 की खरीदी या 819 की, रिटेलर 119 क्या कराया है, पे कराया है, पे। अब इसका दिल चाहेगा इस बर्डन को मैं किसी और पे फेंकूं, इसका दिल चाहेगा इस बर्डन को किसी और पे फेंकूं, तो रिटेलर क्या करेगा, क्या करेगा, रिटेलर हिम्मत करके जैसा होंडा एटलस कार ने बर्डन फेंका था कोई बायर ढूंढ के, तो रिटेलर किसी कस्टमर को ढूंढेगा और कोशिश करेगा इसको मैं 700 वाली चीज 800 में, 900 में, 950 में बेचूं। तो चलते 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 सर उमेर शिराज उनकी जो है दुकान पे पहुंचेंगे और कहेंगे यार ये तो बड़ा जबरदस्त है, इसमें चार मार्कर आ जाएंगे, एक डस्टर आ जाएगा और एक बिस्किट का पैकेट आ जाएगा, ये तो कमाल चीज है। तो सर उमेर वहां से इसको खरीद लेंगे 950 रुपए का। तो अब जब सर उमेर को वो बिल बना के देगा तो 950 पर 17% लगाएगा जो दूसरी क्लास में बना था 161.5। तो ये जो अमाउंट बनेगी 161.5, अब ये रिटेलर किससे रिकवर करेगा, कस्टमर से रिकवर करेगा, और कस्टमर बेचारा इतने पैसे देगा मेरी बला से जितने मर्जी दे। अब बता दें दुकानदार ने कितने पैसे रिकवर किए, जैसे होंडा एटलस कार ने 5,10,000 रिकवर किए थे, तो दुकानदार ने कितने रिकवर किए और कितने पे किए, 119 परचेज, 700 × 17% 119 तो ये क्या करके आया था, पे करके आया था। अगर ये 119 पे करके आया था तो इसने आगे ये बर्डन किसी पे डाला होगा, तो सेल करके इसने पैसे पे किए या रिकवर किए, रिकवर किए, कितने पैसे रिकवर किए, 161.5। ये कितने हुकूमत के खाने में जमा करवाएगा, 42.5, सुन रहे थे, अच्छा तो ये 42.5 और गवर्नमेंट के खजाने के अंदर जमा करवा देगा। इट इज हाउ सेल्स टैक्स विल रीच टू गवर्नमेंट। अच्छा इंपोर्टर ने इंपोर्ट स्टेज पे कितने जमा करवाए थे, 34 इंपोर्ट स्टेज पे, इंपोर्ट स्टेज पे 30, जब पाकिस्तान में चीजें आई थी सी पोर्ट पे तब कितने जमा करवाए थे, 34। जिस वक्त इसने बेचे तो कितने जमा करवाए, जब अगले बंदे ने बेचे तो हुकूमत को कितने जमा करवाए, जब उसे अगले बंदे ने बेचे तो हुकूमत को कितने जमा करवाए, इन द एंड हुकूमत के पास कितने पैसे पहुंचे, ये वही 161.5 है जो आखिरी कस्टमर ने अपनी जेब से दिए थे। तो इन द एंड क्या नतीजा निकला, सेल्स टैक्स कोई एक बंदा जमा कराता है या पूरी चीन में लोग अपना अपना रोल प्ले करते हैं, पूरी चीन में लोग अपना अपना रोल प्ले करते हैं। अच्छा इस मिसाल में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंपोर्टर दो दफा हुकूमत के पास गया, बाकी लोग दो दफा हुकूमत के पास नहीं गए। वजह यह थी कि इंपोर्टर ने जो परचेज की थी ना वो लोकल परचेज नहीं थी, वो इंपोर्टेड परचेज थी, तो जैसी चीजें पाकिस्तान में आई ना उसे फिर हुकूमत के पास जाना पड़ा परचेज के मौके पर भी, और सेल के मौके पर अगले बंदे पे बर्डन शिफ्ट करके जो पैसे उसे आए उसमें से उसने 34 माइनस किया और फिर हुकूमत के खजाने में गया। तो ये वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है इस मिसाल में कि इंपोर्टर दो दफा हुकूमत के पास गया है लेकिन बाकी लोग दो दफा हुकूमत के पास नहीं गए। वो शायद इसलिए नहीं गए कि मैन्युफैक्चरर पहले तो रिटेलर के पास गया था, रिटेलर के पास गया था मैन्युफैक्चरर, तो सॉरी इंपोर्टर के पास, मैन्युफैक्चरर पहले किसके पास गया था, इंपोर्टर के पास, और रिटेलर किसके पास गया था, मैन्युफैक्चरर के पास। चलें जी इस सारी मिसाल को अब आप हजरात दोबारा सुन लें। अच्छा मैं जो पेपर में न्यूमेरिकल आएगा ना वो सिर्फ किसी एक बंदे का आएगा, यानी मिसाल के तौर पे सिर्फ मैन्युफैक्चरर का न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल का फॉर्मेट क्या होगा, न्यूमेरिकल का फॉर्मेट हुआ करेगा सेल इंटू 17%, वो जो 30 लाख वाली गाड़ी बेची है मल्टीप्लाइड बाय 17% 5,10,000, सेल इंटू 17% माइनस परचेज इंटू 17%। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट बड़ा आसान है, कोई लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल का फॉर्मेट नहीं है, न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है सेल इंटू 17% माइनस परचेज इंटू 17%। होंडा एटलस कार वाली मिसाल अगर खाली जहन में रखेंगे, तीन मिसालें इग्नोर भी कर दें, तो सेल कितनी थी होंडा एटलस कार की, 3 मिलियन, 30 लाख, 30 लाख का 17% 5,10,000, और फिर 1 लाख का 17% परचेज इंटू 17%, फिर इस तरह 2 लाख का 17% परचेज इंटू 17%, फिर 3 लाख का 17% परचेज इंटू 17%। तो सेल इंटू 17% में से परचेज इंटू 17% माइनस कर देंगे, यू विल गेट टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट। तो सेल्स टैक्स दो तरीके से चलता है, परचेज के मौके पे क्या पे क्या किया जाता है, पे, और सेल के मौके पे रिकवर किया जाता है। वो सेल करेगा भी तो सेल्स टैक्स अगले से ले नहीं सकता क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके सेल्स टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते कोई। जी मोहतरम अटेंटिव रहिएगा,
ये बातें घर में जाके आपने सारी अपने आप से 2 से 3 दफा करनी है, जो सारी मैं अभी आपसे करने लगा हूँ। इंपोर्टर ने कितने की चीज परचेज की? 200 की। ये जो इंपोर्टर ने चीज परचेज की है 200 की, क्या ये पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती थी? नहीं। तो हुकूमत कहेगी तुमने पाकिस्तान की चीजों में 200 की वैल्यू ऐड कर दिया है। अटेंटिव है? तो हुकूमत कहेगी तुम 200 पे 17% क्या करो, हमें पे करो। 200 पे 17% क्या करो? पे करो। पे करने का मतलब है आप हुकूमत के खजाने में कितने पैसे जमा करवाएंगे? 34। जब आप ये 34 पे कर देंगे, अब आपके दिल के ऊपर धक 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 दिल कर रहा होगा कि ये 34 मैं किसी पे फेंकूं। अब आप अपना कस्टमर को ढूंढेंगे, आपका कस्टमर मैन्युफैक्चरर निकला, आपने मैन्युफैक्चरर को बुलाया और उसे कहा यार ये चीज है 300 रुपए की, मैं तुझे बेचता हूं। लेकिन जब बिल बना के उसे दिया आपने, तो उसे 300 ज़रब 17% 351 का बिल बना के दिया, और जब 351 का बिल बना के दिया तो उसे 51 री कवर किया। तो सेल के मौके पर आपने ये पैसे क्या किए? रिकवर। कितने कितने आप रिकवर कर चुके हैं? 51। कितने ऑलरेडी पे कर चुके हैं? तो रिकवर में से ऑलरेडी पेड अगर माइनस करते हैं, स्टिल पेएबल कितने हैं? 70। स्टिल पेएबल 70 है। अब मैं ये कह रहा था कि 34 भी आपने ही जमा कराए हैं हुकूमत को, जब चीजें बाहर के मुल्क से मंगवाई थी, और 17 भी आपने ही जमा करवाए। तो ये मैं ऐसे बात कर रहा था, ये नीचे वाली बात कोई जरूरी नहीं है, और नीचे वाली बात पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो मैंने नीचे कैलकुलेशन की है, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन नहीं है, ये वैसी लॉजिक समझाने के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद जो बिल इंपोर्टर के लिए सेल का होगा, वो बिल मैन्युफैक्चरर के लिए, मैन्युफैक्चरर कहेगा मैंने चीजें परचेज की हैं 300 की, और मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, और मैं जो है वो बेचारा पे कराया हूं कितने? 51। अब मैन्युफैक्चरर कहेगा ये 51 का बर्डन, कोई अगर मुर्गा मिले मुझे रिटेलर के नाम से तो मैं उस पर यह बर्डन डालूं, मेरी जान छूटे इस 51 से। तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? दिन रात एक करके चीज को बेहतर करेगा, और इस काबिल कर देगा कि कोई बंदा 700 भी देने को इसके लिए तैयार हो जाएगा। 700 ज़रब 17% करके मैन्युफैक्चरर की ये जो फिगर आएगी, ये फिगर जो है ये क्या करेगा? री कवर करेगा। किससे? रिटेलर से। रिटेलर से रिकवर करेगा। कितने का बिल बनाएगा? 700 का बिल बनाएगा या 819 का? 819 का बिल बनाएगा। इसमें 119 क्या होगा? सेल्स टैक्स होगा। आप बता दें कितना रिकवर कर लिया है? 119। कितना पे कर दिया है? कितना स्टिल पेएबल है? ये 68 जाके हुकूमत के खजाने में क्या कराएगा? जमा कराएगा। ये कौन अपने कदमों पर रख के जमा करवाने जाएगा? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर अपने कदमों पर चल के हुकूमत के खजाने में जमा कराने जाएगा। मैन्युफैक्चरर कितना पे कर चुका है? 51। 51 की टेंशन ना ले, वो ऑलरेडी हुकूमत के पास पड़ा हुआ है। मैन्युफैक्चरर कितना पे कर चुका है? कितना रिकवर किया? कितना और पे करेगा हुकूमत को? 68। जो सेल मैन्युफैक्चरर के लिए सेल है, वो रिटेलर के लिए, रिटेलर कितने की चीज परचेज की? 700 की। 700 की चीज परचेज की तो कितना पे कर दिया? 119। कितना रिकवर करेगा? कितने का बेचा? इंटू 17%, 160। कितना रिकवर कर लेगा? तो हुकूमत के खजाने में कितना जमा करवाएगा? 42.5। इन द एंड जब ये 42.5 हुकूमत के पास जाएगा, तो हुकूमत के खजाने में टोटल कितने पैसे पहुंचे होंगे? 161.5। अच्छा, अब अगर आप ये लफ्ज बोलें बिल्डिंग खरीदी, तो कोई डॉक्टर साहब आपके पास खड़े हो, उनको बात समझ आ जाएगी या समझानी पड़ेगी? समझानी पड़ेगी। बिल्डिंग खरीदी, डॉक्टर को समझानी पड़ेगी। यार ये कौन लोग हैं आप? हद हो गई। अगर किसी डॉक्टर साहब के पास, इंजीनियर साहब के पास आप खड़े होकर बोलें बिल्डिंग खरीदी, तो ये उनको बात समझ आ जाएगी? समझ आ जाएगी? नहीं समझ आएगी। अच्छा, अगर आप डॉक्टर साहब को कहें बिल्डिंग इज डेबिटेड, डॉक्टर कहेगा यार आई डोंट अंडरस्टैंड। आप कहें यार इसके लिए ना आपको अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी। तो अकाउंटिंग वालों ने इतने मुश्किल लफ्ज बना लिए हैं, हालांकि चीजें इतनी आसान थी, लेकिन अकाउंटिंग वालों ने सोचा लोगों पे इतना रोब डालें कि लोग कहें पता नहीं क्या हो रहा है। तो कैश इज डेबिटेड, कैश इज क्रेडिटेड, सेल इज क्रेडिट, ऐसे ऐसे अकाउंटिंग वालों ने लफ्ज बना लिए, हालांकि इतनी आसान आसान चीजें थी जिसके लिए अगर लफ्ज ना बनाते तो नॉन अकाउंटेंट्स को भी सीधी 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 बातें समझ आ जाती। लैंड इज क्रेडिटेड, अब अगले को पता नहीं तेरे पर लैंड बिक गई है तो हम लगे हुए लैंड इज क्रेडिटेड। तो इसलिए अकाउंटिंग वालों ने कोई ऐसे लफ्ज बनाने की कोशिश की कि लोग समझे अकाउंटिंग बड़ी मुश्किल है, हालांकि अकाउंटिंग बड़ी आसान है। ओके, आसान है। अच्छा, टैक्स वालों ने भी कहा कि यार इतना आसान न्यूमेरिकल, यानी होंडा एटलस कार वाली मिसाल, मेरे ख्याल से आप, मेरे ख्याल से किसी ले मैन को भी जाके समझाएंगे आज, घर में बहन भाइयों को बिठा लिया, इधर उधर मैं सेल्स टैक्स का मैकेनिज्म समझाता हूं,
तो वो होंडा एटलस कार वाली मिसाल अगर आप समझाएंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत ही उनको समझ लगी जाएगी, क्योंकि जितनी थोड़ी बहुत ही आप लोगों को लगी है तो थोड़ी बहुत ही उनको भी समझ लगी जानी है, ठीक है, क्योंकि चीजें बड़ी आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन सेल्स टैक्स वालों ने कहा कोई ऐसी चीज डालो लोग परेशान हो जाए, तो किसी ने कहा सेल इंटू 17% का नाम रख दो आउट पुट, वो तेरी खैर, और परचेज इंटू 17% का क्या नाम रख दो इनपुट, एक हो गया आउटपुट, एक हो गया इनपुट, एक हो गया इटपुट। अच्छा, तो सेल इंटू 17% इज कॉल्ड एज आउटपुट और इनपुट। अब आपने कभी भी कहीं भी कोई पूछे आपसे सेल्स टैक्स कैसे जमा कराएंगे, आपने सोचा रोड डालने, आपने कहा इनपुट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम आउटपुट, अगला कहेगा यानी कि आप हैं और इसके पीछे पूरी एक तफसील है, तो इनपुट को माइनस किया जाता है किसमें से आउटपुट, अंदर की बात क्या है सेल इंटू 17% माइनस परचेज इंटू 17%। ये न्यूमेरिकल आप कितनी देर में सॉल्व कर लेते हैं, आधे घंटे में तो कर ही लेते हैं ना आमतौर पर। तो ये जो सीएस हैं आजकल क्या करते हैं, सीए के पास डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर सोना, और डॉक्टर सोना आके कहते हैं भाईजन ये मेरा न्यूमेरिकल, ये मेरी को बिजनेस इनकम निकाल दो, तो सीए क्या कहते हैं भाईजन हफ्ता लगेगा, बहुत आपकी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, हफ्ता लगेगा, आप डाटा मुझे देके चले जाए हफ्ते बाद आइएगा, तो वो भी समझते हैं हाँ यार पता नहीं 20-30 हज़ार तो बनते ही है इसके मैं दे दूं। तो इसी तरह ये डेफिनेशन है किसकी बोले आउटपुट की, और इन आउटपुट क्या है कुछ भी नहीं है, सेल इंटू ये वो 5,10,000 है जो सरासिफ से रिसीव हुए हैं, और इनपुट क्या है ये वो 1,17,000, 2,34,000 और 3,51,000। तो ये न्यूमेरिकल का फॉर्मेट हुआ करेगा सेल इंटू 17% मैंने परचेज इंटू 17%। अब डेबिट क्रेडिट तो थोड़े मुश्किल लफ्ज थे, इनपुट आउटपुट इसलिए आसान लफ्ज हैं कि चीजें खरीद रहे हैं तो इन हो रही हैं, बेच रहे हैं तो आउट हो रही हैं, पुट मेरी तरफ से लगा लें आप आगे, तो इन पुट परचेज होगी आउट पुट तो क्या होगी, ठीक, तो पुट के रख दिया चीजों को। ओके ये क्या हो रहा है, टैक्स रिकवर्ड फ्रॉम सरासिफ ऑन सेल ऑफ कार। गाड़ी कितने की बेची है होंडा ने, 30 लाख की, कितने की बेची है 30 लाख की, 30 लाख पे 17% कितना बना 5,10,000, उसी पेज पे हूं मैं, पेज 460 पे हूं मैं। अच्छा तो 5,10,000 क्या बन गया सेल या सेल का 17%, असल में बिल तो आपको पता है ऐसे बनते हैं ना, कोई पेज ना ढूंढ रहा हो यहां देख ले। अच्छा तो आपको पता है ये बिल तो इस तरह बनेगा, सरासी की जो गाड़ी होगी उसके बिल ऐसे बनेगा, 30 लाख की गाड़ी है, 5,10,000 इनमें क्या है सेल्स टैक्स डाले बिना 30 लाख की है, डाल के 35,10,000 की है, इसमें जो 5,10,000 है इसका मुश्किल सा नाम क्या है आउटपुट, 5,10,000 का मुश्किल सा नाम क्या है आउटपुट, यानी सेल का 17%, क्योंकि व्हाट इज 5,10,000, व्हाट इज 5,10,000 सेल का 17%, तो सेल का 17% इज कॉल्ड एज बोले आउटपुट। अच्छा क्या सिर्फ एक धार है ये, तो दूसरी धार भी तो होगी, क्या हमने गाड़ी बेचने के लिए टायर परचेस किए होंगे, क्या गाड़ी बेचने के लिए हमने इंजन इंपोर्ट किया होगा, क्या गाड़ी बेचने के लिए हमने लग्जरी सीट्स बाय की होंगी, क्या गाड़ी बेचने के पॉइंट देना पड़े, क्या गाड़ी बेचने के लिए हमने तारें खरीदी होंगी, किसी ने मशवरा दिया होगा तारें हो तो गाड़ी में कश्मीरी, आपने कहा ठीक है कश्मीरी तारें लगा के गाड़ी बना लेते हैं, तो आजाद जम्मू एंड कश्मीर में भी उसी तरह सेल्स टैक्स लगता है जिस तरह पाकिस्तान में लगता है। तो परचेज मैंने आपको आज दिखाई है डिफरेंट, क्योंकि परचेज तो हजारों चीजें होती हैं, फिर कहीं जाके क्या बनती है गाड़ी बनती है, और अगर आपने जहाज बनाना हो तो जहाज बनाना आपको पता है कितना मुश्किल काम है, कितनी मुश्किल से जहाज बनता है, तो आपको कैसे पता है कौन कौन, कौन बोला है आपको कैसे पता है? अच्छा टायर परचेज किया, इंजन इंपोर्ट किया, लग्जरी सीट्स बाय की और कश्मीर से तारें बाय की, ये सारी चीजें परचेज में डाल गई और परचेज करके अल्टीमेटली गाड़ी क्या कर दी हमने सेल कर दी, क्लियर, बस ठीक है जी। ये हम पढ़ेंगे मेरे भाई चैप्टर 23 के अंदर, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट सब पूछने लग गए मेरे ख्याल से, उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सबर कर देना, ये आ लेने दें रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या अगर आप मशवरा देते हो तो चैप्टर 23 शुरू कर लेते हैं आज। ओके अच्छा असल में कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं और समझते हैं मेरे सवाल का, मेरे का तो जवाब नहीं दिया जाता, पता नहीं चक्कर क्या है, तो इसलिए मैं आज ना हल्का फुल्का आप दिखा दिया करूंगा, ये हम पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है जी, और आपने कुछ बताना हो, सारे मूड में बैठे हैं आज।
ओहो यार कुछ भी नहीं होता, हाथ हो गया, छोटी सी जिंदगी आज खेल के गुजार दो। अच्छा जी, पेज 512, 511, 510, 510। मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन कहीं आई थी, किधर है ये पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 48। आइडेंटिफाई द पर्सन हु आर कंसिडर्ड एज, कितने नंबर का? 6 नंबर का मुफ्ता कहते हैं इसे, तो 6 नंबर के मुफ्त के मार्क्स आए, वो बंदे बताने हैं जो कि कौन है मैन्युफैक्चरर। तो इससे बस ये साबित हुआ कि आपने आज जाके जितना हमने पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से क्या करना है, याद करना है। ठीक है, ओवर।